मैं कपिल देव माटा YouTube चैनल NJKCC पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, नतमन जालीलाल खेतान कंप्यूटर सेंटर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी ट्रेनीज जो इस ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन क्लास का लाभ ले रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि हमने पिछले जो लेसन हुए हैं हमारे, उसमें हमने कंप्यूटर के कीबोर्ड के बारे में, कंप्यूटर की बेसिक थ्योरी के बारे में, कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ाई की थी। कल हमने कंप्यूटर की हिस्ट्री और जनरेशन के बारे में कुछ सीखा था, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कितनी होती है और किस पीढ़ी में किस टाइप की कंप्यूटर आए, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। आशा और उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आया होगा। आज अपन कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस की चर्चा करेंगे। डिवाइस मतलब उपकरण। इनपुट डिवाइस भी होते हैं जो कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करवाने के काम में आते हैं, आउटपुट डिवाइस भी होते हैं जिनके द्वारा हमें आउटपुट या रिजल्ट प्राप्त होता है। वैसे तो नॉर्मली जितने भी विद्यार्थी हैं वो ये जानते हैं कि जो इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस होते हैं और आउटपुट डिवाइस प्रिंटर और मॉनिटर होते हैं। ऐसा नहीं है, इनके अलावा कुछ और भी डिवाइसेज हैं जिनके बारे में हम संक्षेप में यहाँ चर्चा करेंगे। आइए उन पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इनपुट डिवाइसेज को। वी डिवाइसेज वे उपकरण जो कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करने के काम में आते हैं, जो डाटा की इनपुट एंट्री करवाते हैं कंप्यूटर में, वो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। हमने चर्चा की थी कीबोर्ड के बारे में, हमने पिछले अध्याय में, पिछले लेसन में, पिछले वीडियो में कीबोर्ड के बारे में चर्चा की थी। कीबोर्ड में खूब कीज होते हैं, 101 से लेकर 110 तक सभी प्रकार के कीज के बारे में हमने चर्चा की थी। एक होता है माउस, माउस एक ग्राफिक्स का उपकरण है, ग्राफिकल उपकरण है माउस। माउस के तीन स्विच होते हैं, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल। जैसे ये माउस की संरचना है, लेफ्ट स्विच, राइट स्विच और यहां पर एक स्क्रॉल स्विच होता है। आपने देखा होगा कि माउस के अंदर बीच में एक चक्री लगी होती है, माउस के बीच में यहाँ एक चक्री लगी होती है, वो पेज के अंदर अप डाउन करने में, ऊपर नीचे लाने में ये चक्री काम में आती है। लेफ्ट बटन और राइट बटन, लेफ्ट बटन दो क्रियाएं करता है, एक क्रिया होती है क्लिक करना और दूसरी क्रिया होती है डबल क्लिक करना। क्लिक के माध्यम से हम किसी भी फाइल को, फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं, कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। डबल क्लिक के माध्यम से दो बार आप क्लिक करेंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। माउस मुख्यतः दो प्रकार की क्रियाएं करता है, क्लिक एंड डबल क्लिक। इसके पश्चात और इनपुट डिवाइस के बारे में अपन चर्चा करते हैं कीबोर्ड और माउस के अलावा। जैसे एक होता है इसमें लाइट पेन, ये इस टाइप का एक पेन होता है, इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है जो प्रकाशीय तंतु पर आधारित होता है। स्क्रीन के ऊपर वो पेन अगर अपन टच करते हैं तो सूचना को इनपुट करवा सकते हैं। एक प्रकार का पेन टाइप का होता है, जैसे हम पेन नॉर्मली अपन यूज लेते हैं, इस टाइप का एक इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है, उससे अपन स्क्रीन के ऊपर टचिंग कर सकते हैं। प्रकाशीय तंतु स्क्रीन से टच होंगे तो हमें डाटा को इनपुट करने की एंट्री मिलेगी, डाटा को इनपुट कर सकते हैं हम, ये होता है लाइट पेन। इसके पश्चात एक होता है टच स्क्रीन, इसको टैबलेट भी बोलते हैं। ये हमारे अंगुलियों के निशान को पहचानता है, हम अंगुलियों से स्क्रीन को टच करेंगे तो हम डाटा एंट्री कर पाएंगे। ये एक टचिंग का इनपुट डिवाइस है, टच के द्वारा, इसमें टच के माध्यम से अंगुलियों से टच करके हम डाटा को इनपुट करवा सकते हैं। एक होता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक ऐसा माध्यम है जो बच्चों के गेम खेलने के काम में आता है। जो गेम वाले पॉइंट होते हैं वह जॉयस्टिक लगा होता है, बच्चों के 3D गेम खेलने के काम में आता है। इसकी आकृति वैसी होती है जैसे किसी गाड़ी में, कार में, बस में गियर चेंज करने के लिए स्टेरिंग के पास में गियर चेंज करने का उपकरण होता है, वैसे एक छड़ी लगी होती है, उसके नीचे बॉल लगी होती है, बॉल छड़ी को इंडिकेट करती है आगे पीछे करने में, लेफ्ट राइट करने में, ऊपर नीचे करने में, सेम वही फंक्शन इसका होता है। इसके द्वारा हम बच्चे गेम खेल सकते हैं, इसका मोस्टली यूज गेम खेलने में होता है जॉयस्टिक का। नंबर 6 स्कैनर। स्कैनर एक ऐसा माध्यम होता है जो आजकल बहुत पॉपुलर है, सभी
जॉब सेंटर्स में ईमित्र पर सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर स्कैनर का यूज़ करते हैं। स्कैनर में हम स्कैनर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें नीचे सरफेस में मिरर लगा होता है और हम वहाँ किसी भी डॉक्यूमेंट को, पेपर को या प्रिंट पेपर को रखते हैं या कोई इमेज को रखते हैं, तो वैसे वैसे इमेज वो कंप्यूटर में डिस्प्ले हो जाती है, वैसे वैसे कंप्यूटर में इनपुट हो जाती है। ये इसके अंदर एक बहुत पॉपुलर इनपुट डिवाइस है। नंबर 7, देखिए ये 3 बहुत पॉपुलर इनपुट डिवाइस हैं जो आजकल बहुत काम में आ रहे हैं, OMR, OCR और MICR। सबसे पॉपुलर इनपुट डिवाइस है, आजकल इन तीनों का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, OMR, OCR, MICR। आजकल जितने भी ऑनलाइन एग्जाम होते हैं सब में इनका यूज होता है। इसके अलावा जितनी भी OMR शीट फिलअप होती हैं उन सबको चेक करने में, रिजल्ट निकालने में, क्वेश्चन आंसर चेक करने में इनका यूज होता है। OMR का मतलब है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये मार्क को रीड करता है। OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, ये करेक्टर को रीड करता है। और MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ये सबसे पॉपुलर सबसे फेमस इनपुट डिवाइस है तीनों। आजकल इनका यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, OMR, OCR, MICR, ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर OCR, MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ये थोड़ा हटके है MICR और ये दोनों एक ही फील्ड से रिलेटेड है। OMR, OCR एक ही फील्ड से जुड़े हुए हैं और MICR थोड़ा अलग हटके है। OMR में क्या होता है कि जो मार्क किए हुए गोले होते हैं उनको रीड करते हैं। आपने देखा होगा जो अपन एग्जाम देने जाते हैं या कोई एग्जाम के फॉर्म फिलअप करते हैं तो उनमें से ऐसे गोले काले करने होते हैं, ऐसे इस टाइप से ऑब्जेक्टिव पेपर में ये हम जो ABC ऑप्शन होते हैं उनमें से किसी एक ऑप्शन को ऐसे ब्लैक करते हैं, या अपन कोई डेट ऑफ बर्थ भरते हैं फिलअप करते हैं या कुछ फिलअप करते हैं कोई कोड नंबर वगैरह, तो ऐसे काले गोले करते हैं फिलअप, पेन से करते हैं या पेंसिल से करते हैं। तो इसकी मुख्य विशेषता ये होती है हम जो फिलअप करते हैं वो उसके बाहर बाउंड्री से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये उनको रीड करता है ये काले गोलों को, ये होता है, ये टेक्निक होती है OMR। इसके अलावा जो OCR होती है ये केवल करेक्टर को रीड करता है। आपने देखा होगा जो OMR शीट होती है उसमें अपन कुछ पेन से फिलअप करते हैं, अपना नेम है, फादर नेम है, कोई मीडियम है, अपना एड्रेस है, कोई फ़ोन नंबर है, कुछ जो करेक्टर वगैरह अपन पेन से शाही से लिखते हैं वो ये उन करेक्टर को रीड करता है OCR। ये दोनों टेक्निक OMR शीट में काम में आती हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में जो टेक्निक काम में आती है OMR होती है। अब MICR क्या है? MICR एक विशेष प्रकार की टेक्निक है। MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ये मैग्नेटिक इंक को ही रीड करता है और किसी को रीड नहीं करता। इसमें मेन जो यूज होता है ना वो होता है मैग्नेटिक इंक का। इसका यूज मोस्टली होता है बैंक में, चेक में होता है, ड्राफ्ट में होता है, उनमें इसका यूज होता है उनको चेक करने के लिए, चेक को और ड्राफ्ट को इनको चेक करने के लिए MICR टेक्निक का यूज होता है बैंकों में। आपने देखा होगा कि जो बैंक वगैरह होते हैं चेक, बैंक में चेक होते हैं, ड्राफ्ट होते हैं, वो विशेष इंक से विशेष करेक्टर से लिखे होते हैं। जैसे 2 का यूज होता है तो 2 ऐसे लिखा जाएगा, 9 है तो 9 ऐसे लिखा जाता है, ऐसे 7 है तो 7 ऐसे लिखा जाएगा, 6 है तो 6 ऐसे लिखा जाता है। तो ये जो विशेष पद्धति है नीचे जो चेक के नंबर लिखे होते हैं वो मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं, उनको चेक कौन करता है? MICR। ये तीनों के तीनों पॉपुलर इनपुट डिवाइस हैं। इसके अलावा बारकोड सिस्टम, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े मॉल हैं, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर हैं, उनमें जितने भी प्रोडक्ट वगैरह होते हैं आजकल, तो वैसे भी सभी शॉप वगैरह पे अपन कोई भी प्रोडक्ट वगैरह लेके आते हैं, चाहे बिस्किट का पैकेट ही लेके आओ, उनके सबके ऊपर एक विशेष मार्क से लिखा होता है साइड में, कहीं आपको ऐसे लाइनिंग से कोड लिखे मिलेंगे आपको, ऐसे ऐसे लिखे होते हैं लाइनिंग के माध्यम से। ये यहाँ पर एक विशेष मशीन होती है बारकोड सिस्टम को रीड करने की, वो यहाँ टचिंग करवाते हैं तो एक लाइट
ओपन होती है और कंप्यूटर में उसके पूरी की पूरी पद्धति या इसका जो पूरा पूरा सिस्टम है कि ये कितने का प्राइस है, इसका कितनी क्वांटिटी है, क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी उस प्रोडक्ट के बारे में कंप्यूटर पर डिस्प्ले हो जाती है। ये रीड इस सिस्टम से होता है, बार कोड सिस्टम से। हर प्रोडक्ट के ऊपर साइड में कहीं आपको, आप चाहे कोई टॉफ़ी लेके आएँ, चाहे कोई बिस्किट का पैकेट लेके आए, चाहे कोई भी प्रोडक्ट लेके आए, आपको साइड में कहीं ना कहीं ऐसे कोडिंग लिखे हुए मिलेंगे। यूनिवर्सल कोड है ये। जो बार कोड सिस्टम है इसके ऊपर आप मूवमेंट करवाएंगे, इसके ऊपर लेके जाएंगे तो एक लाइट ओपन होगी और कंप्यूटर में इसकी पूरी स्टोरी आ जाएगी। जैसे ये प्राइस क्या है इस बिस्किट की, आप जितनी क्वांटिटी ले रहे हैं उतनी क्वांटिटी फिलअप करेंगे तो उसमें उसकी मल्टीप्लाई होकर ये वैल्यू आ जाएगी। ये होता है बार कोड सिस्टम, इसका यूज़ भी काफ़ी होता है। बारकोड के पश्चात अगला इनपुट डिवाइस है बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक आज तो जितने भी ऑफिस हैं, चाहे गवर्नमेंट ऑफिस हो चाहे प्राइवेट ऑफिस हो, उनमें सब में अटेंडेंस का जो सिस्टम है वो बायोमेट्रिक सिस्टम होता है। बायोमेट्रिक सिस्टम से अटेंडेंस लागू होती है। उन सब में एक छोटी सी मशीन होती है, उनमें हम अपना थंब या कोई भी फिंगर रखते हैं तो हमारी अटेंडेंस स्वतः लग जाती है। ऐसा सिस्टम बायोमेट्रिक सिस्टम कहलाता है। सब में ये कंपलसरी हो गई आजकल, और बायोमेट्रिक सिस्टम से बहुत ही इजी वे में ये सिस्टम इंडिकेट करता है और इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग में लिया जा रहा है हर ऑफिस में। इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइसेस सबसे जो पॉपुलर आउटपुट डिवाइस मॉनिटर होता ही है, आप जानते हैं सब मॉनिटर। जो मॉनिटर है वो आउटपुट डिवाइस के रूप में, डिस्प्ले के रूप में आउटपुट देता है हमें। मॉनिटर तीन टाइप के होते हैं, सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। जो बड़े वाले मॉनिटर होते हैं, जो पुराने ज़माने में जो टेलीविज़न हुआ करते थे, जिसमें कैथोड रे ट्यूब होती है, एक इलेक्ट्रॉन गन होती है कैथोड टाइप में, जो स्क्रीन के ऊपर पिक्सल डिस्प्ले करती है और हमें आउटपुट प्राप्त होता है। आजकल आ रहे हैं LCD, LED, ये आउटपुट डिवाइस मॉनिटर के रूप में है। नंबर दो, प्रिंटर। प्रिंटर प्रिंट के रूप में हमें आउटपुट देता है। प्रिंट के रूप में पेपर के ऊपर हम किसी भी आउटपुट को डिस्प्ले कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंटर दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं इंपैक्ट, एक होते हैं नॉन इंपैक्ट। दो टाइप के प्रिंटर होते हैं, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट वे होते हैं जो पेपर के ऊपर प्रहार करते प्रिंट देते हैं, नॉन इंपैक्ट वे होते हैं एकदम इजी होते हैं और प्रहार नहीं करते पेपर पर, सीधा ही हमें प्रिंट देते हैं, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। अब इंपैक्ट में भी कई टाइप के प्रिंटर होते हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये होते हैं इंपैक्ट जो आजकल कम चलते हैं। केवल गवर्नमेंट ऑफिसेज में डॉट मैट्रिक्स का यूज होता है। इनकी विशेषता क्या होती है, आवाज़ ज़्यादा करते हैं, प्रिंटर क्वालिटी जो प्रिंट की क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती, सुंदर नहीं होती। प्रिंटर महंगे होते हैं लेकिन जो प्रिंट की जो वैल्यू है वो लो होती है। एक बार आप कार्टेज रिफिलिंग करवाएंगे तो काफ़ी प्रिंट निकाल देंगे, लेकिन प्रिंट क्वालिटी इनकी हल्की होती है, आवाज़ काफ़ी ज़्यादा करते हैं। प्रिंटर जो प्रिंटर है वो पेपर के ऊपर प्रहार करते हैं, ये कम चलते हैं। केवल गवर्नमेंट ऑफिसेज में डॉट मैट्रिक्स का ज़्यादा यूज में आता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जैसे लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, इनकी प्रिंट क्वालिटी बहुत सुंदर होती है। एक बार रिफिलिंग करवाने पर काफी पेज निकाल सकते हैं, सभी ऑफिसेज वगैरह में इनका यूज होता है। कलर प्रिंट भी निकाल सकते हैं हम, और प्रिंट क्वालिटी इनकी बहुत सुंदर होती है। ये है प्रिंटर आउटपुट डिवाइस के रूप में। इसके अलावा आउटपुट डिवाइस एक दो और भी होते हैं, जैसे प्लूटर होता है जो नक्शे वगैरह प्रिंट करने के काम में आता है, 3D इमेज
डिस्प्ले होती है, बड़े बड़े नक्शे वगैरह इनसे प्रिंट कर सकते हैं, पेंसिल से स्केच वगैरह करके। इसके अलावा उसी के पश्चात हेडफोन जो बच्चे वगैरह कानों पे लगा करके गाने वाने सुनते हैं, मूवी वगैरह देखते हैं, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा स्पीकर जो कंप्यूटर के साथ लगा होता है और ध्वनि यंत्र है जिसके द्वारा हम ध्वनि सुन सकते हैं, कोई गाने वाने मूवी वगैरह गेम की ध्वनि वगैरह सुन सकते हैं। ये आउटपुट डिवाइस है दोनों, हेडफोन और स्पीकर। ये थे इनपुट और आउटपुट डिवाइस की चर्चा। अगले अध्याय में हम कंप्यूटर की मेमोरी की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।